बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव की हार इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक सामाजिक समीकरणों के कारण पाटलिपुत्र सीट को बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन यहां रामकृपाल यादव की हार ने सभी को चौंका दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी मेहनत के बाद चूक कहां हो गई। वही लगातार दो चुनाव में हार का सामना कर रही मीसा भारती के समर्थकों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। दानापुर को छोड़कर शेष पांच विधानसभा में राजद की मीसा भारती भारी पड़ी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद की मीसा भारती को हर क्षेत्र में समर्थन मिला, लेकिन मनेर में मीसा भारती ने 17,000 से अधिक मतों से बढ़त हासिल की। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा रामकृपाल यादव को यहां से 1,000 अधिक वोट मिले, लेकिन वो यहां से पिछड़ गए। इसी तरह से मसौढ़ी में भी बीजेपी के वोट में 3,000 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मीसा भारती ने यहां से 25,000 की बढ़त हासिल कर जीत पक्की कर ली। फुलवारी शरीफ में पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 15 से अधिक मतों से शिकस्त दी, लेकिन इस बार 8,000 से अधिक वोट लाकर भी बीजेपी उम्मीदवार मीसा भारती से 5,000 पीछे रह गए। फुलवारी शरीफ में महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले ने बड़ी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा की थी, लेकिन इस चुनाव विक्रम क्षेत्र में भी रामकृपाल यादव 5,000 से अधिक मतों से पिछड़ गए। विक्रम से 2019 के चुनाव में बीजेपी की बढ़त 14,000 थी। इस बार बीजेपी को 3,000 से अधिक वोट मिले, लेकिन राजद उम्मीदवार को पिछले चुनाव से 22,000 अधिक वोट हासिल हुआ, जिसके कारण रामकृपाल यादव 5,000 वोट से पीछे रह गए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 6 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ दानापुर में बीजेपी के रामकृपाल यादव पुराने प्रतिद्वंदी राजद की मीसा भारती से आगे रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से 29,000 से अधिक मतों के अंतर से बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार रामकृपाल यादव को 2,000 अधिक वोट मिला, लेकिन मीसा भारती को पिछली बार की तुलना में 20,000 अधिक वोट मिले, जिसके कारण बीजेपी की बढ़त मात्र 12,000 पर सिमट गई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।